हमास और इसराइल में जंग छिड़े 6 दिन हो गए हैं। हालात कितने नाजुक हैं इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि तेल अवीव से भारत की फ्लाइट्स कैंसिल होनी शुरू हो गई हैं। 18,000 भारतीय अभी इसराइल में रह रहे हैं, वो वतन कैसे लौटेंगे? इस मुश्किल को दूर करने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। ऑपरेशन के तहत कैसे एक एक भारतीय को सुरक्षित घर वापस लाना है, कहाँ और किस जगह से फ्लाइट मिलेगी, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट देख लीजिए। उम्मीदों की उड़ान के साथ भारत के ऑपरेशन अजय का आगाज हो गया। चार्टर्ड प्लेन से बारी बारी इसराइल में रह रहे भारतीयों की वापसी कराई जाएगी। पहली फ्लाइट से 250 भारतीय देश लौटेंगे। ऑपरेशन अजय हैज बीन लॉन्च टू फैसिलिटेट द रिटर्न फ्रॉम इसराइल ऑफ आवर सिटीजंस हु विश टू कम बैक। द फर्स्ट चार्टर फ्लाइट विल बी रीचिंग तेल अवीव लेटर टुनाइट टू पिक अप इंडियन सिटीजंस। इसराइल में करीब 18,000 भारतीय रहते हैं। ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को तेल अवीव से भारत लाया जाएगा। हर रोज देर रात चार्टर्ड विमान तेल अवीव पहुंचेगा और भारतीयों को वापस लाएगा। इसराइल में छिड़ी जंग के बीच कई भारतीय भी घायल हुए हैं, एमईए का दावा है। करीब 12 भारतीय वेस्ट बैंक में, गाजा में 3 से 4 भारतीय सिटीजन हैं, कुछ घायल भी हैं जो अलग अलग अस्पतालों में हैं। हमारे लिए फोकस इससे है कि किस तरह से भारतीय नागरिक जो वहां पे हैं उनको वापस ला पाए जो आना चाहते हैं। गाजा में आपने जिक्र किया हैं हमारे 3 या 4 सिटीजन हैं, हम उनके साथ संपर्क में हैं, पर अभी जो इसकी कंस्ट्रेंट्स है उसमें दिक्कत है उनको कोई डायरेक्टली निकालने का, पर हम कोशिश कर रहे हैं जो भी सोल्यूशन हो सके उसमें हम जितना मदद कर सके हम करेंगे। कुछ हिंदुस्तानी इसराइल से सटे मुल्कों में भी हैं, लेकिन जो इसराइल में रहते हैं और अपनी मर्जी से देश आना चाहते हैं उन्हें ही ऑपरेशन अजय का हिस्सा बनाया जाएगा। सुविधा का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। खास बात यह है कि बुरे हालात में मदद के लिए भारत ने इमरजेंसी हेल्पलाइन जारी की है। दिल्ली में नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर है 1800118797 +91 11 2301 2113 +91 11 2301 4104 +91 11 2301 7905 और +91 9968291988 हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी situationroom@mea.gov.in पर भी मदद मांगी जा सकती है। अब ये भी जान लीजिए कि इसराइल में जो 18,000 भारतीय रहते हैं वो किस काम धंधे से जुड़े हैं। यहाँ करीब 14,000 केयरगिवर्स यानी घरों में नैनी, रखरखाव और देखभाल के पेशे से जुड़े हैं। 1,000 से ज्यादा छात्र हैं, जबकि 500 से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स। वहीं 2,500 से ज्यादा लोग वहां अपना कारोबार चलाते हैं। ऑपरेशन अजय का मकसद इसराइल में रह रहे हर हिंदुस्तानी को सही सलामत देश लाना है। मुहिम शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि भारत का ये ऑपरेशन कामयाब होगा, क्योंकि सवाल अपनों की जिंदगी का है। इसराइल हमास के वॉर को लेकर आपके कई कमेंट्स हमारे पास आए हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में आपके कमेंट्स देखने का वक्त हो गया, फटाफट देख लेते हैं। आनंद कुमार थानवी कहते हैं, धर्म आधारित जंग है, परिणाम घातक हो सकते हैं। शैलजा सिंह लिखती हैं, एक युद्ध खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, तीसरा मुंह फाड़े खड़ा है। आज इतना ही। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, फ्लाइट का वक्त होने वाला है। इसराइल पहुंचकर वॉर जोन की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक लेके आऊंगा। फिलहाल एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।